सो हेलो नमस्ते, खुश रहो समस्ते। तो कैसे हैं भाई लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आपको भी पता होगा कि फ्री फायर अभी बहुत से बंदे छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम या किसी कोई भी बड़े रीज़न के वजह से ही फ्री फायर को छोड़ा जा रहा है। तो मैं आज आपको वही रीज़न बताने वाला हूँ। तो आपको पता है 2019 में हमारा रिव्यू क्या था और 2021 में हमारा जो गेम का रिव्यू प्ले स्टोर पर क्या हो चुका है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन स्टार रेटिंग की बात करूँ तो 2019 में कुछ नहीं था, और यहाँ पे वन स्टार रेटिंग की बात की जाए 2021 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो बहुत ही बुरी बात है बिकॉज प्लेयर्स भी यहाँ पे इससे हैरेस हो रहे, तो वो बहुत ही बेकार बात है। तो यार इस चीज़ में थोड़ा गरीना को ध्यान भी देना चाहिए। तो इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम है, मैं आपको वीडियो में अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपनी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्री फायर के अपडेट्स, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी अभी देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि बंदों को मतलब बरमुडा रीमास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा खेलने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 में से 8 मैच मान लो बरमुडा रीमास्टर्ड लगता है और 2 मैच समझ लो परगेट्री या फिर बरमुडा लगता है। तो यार जो मैच बंदे खेलना नहीं चाहते तो फिर क्यों उनको ये मैच दिया जा रहा है, तो वही हमारा जो एक कंप्लेन है। और ये मेरा कंप्लेन नहीं है खाली, आप प्ले स्टोर पे जाके रिव्यूज़ चेक करोगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप एक बार जाके रिव्यूज़ चेक करना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला कमेंट। तो फिर मतलब कि क्यों दिया जा रहा है, मैं वही बोलना चाहता हूँ, जब ये खेलना नहीं चाहते तो इस वजह से कुछ बंदे छोड़ के भी गेम जा रहे हैं, क्योंकि भाई जब उनको गेम में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्यों खेले भाई ये गेम को। अब इसके बाद अगले प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो है भाई इस लैग के प्रॉब्लम का क्या करें यार, ये लैग ही नहीं जाता भाई इतने, मतलब बंदों का करे क्या। और ये मतलब फ्री फायर वाले इसमें कुछ सुधार करते नहीं, बंदों के 6-8 GB रैम वाले फ़ोन पे भी अब तो लैग होने लगा, और ऊपर से इन लोग फ्री फायर मैक्स को निकाल रहे। अभी पबजी वालों का मतलब उन लोग ने जब टेस्ट किया था तब उनमें पबजी को लैग मतलब देखने को मिला था 6-8 GB रैम वाले में, इस वजह से भी उन लोगों ने पबजी लाइट को निकाला था। पर फ्री फायर वाले फ्री फायर मैक्स निकाल रहे जबकि उनको भी एक फ्री फायर का लाइट वर्जन निकालना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा। कोई मतलब जो खेल नहीं पाता बंदा वो भी खेलेगा इस गेम को, पर इन लोग में उतनी अक्कल नहीं है और इन लोग भाई फ्री फायर मैक्स निकाल रहे और मतलब तगड़े ग्राफिक्स के साथ उसको निकाला जा रहा है। जब इसी गेम में सुधार नहीं है तो फिर मान लो आप उस गेम में कैसे सुधार आ सकता है। तो अब इसके बाद अगर अगले प्रॉब्लम की बात की जाए, इसका फाइल साइज जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लाइक जैसे ही जैसे अपडेट आता है उस हिसाब से इसका फाइल का जो साइज़ है वो भी बहुत ही तगड़ा बढ़ता है। लगभग अगर आप देखोगे तो अब इसका जो फाइल का साइज़ है वो अगर मोबाइल की बात करूँ तो लगभग 780 MB के आसपास का इसका मोबाइल का साइज़ हो चुका है। मतलब आगे उसमें अंदर और डाउनलोड करोगे तो 3-4 GB का तो लगभग हो जाता है, और ऊपर से अगर इसमें अगर बात की जाए तो पीसी में भी लगभग अगर आप खाली में ऐसे डाउनलोड करते हो तो खाली इसका डाउनलोड साइज़ लगभग 850 MB के आसपास है। मैं दोनों में खेलता हूँ तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। और अगर ऐसे ही इसी के जगह अगर हम लैग की बात की जाए तो लैग में इसमें मतलब इसमें जितना लैग होता है अभी नए लाइक BGMI को अपडेट के बाद मतलब इतना अच्छा कर दिया गया है कि 4 GB रैम में भी अगर 600+ प्रोसेसर है वो भी अच्छे से चल जाएगा। पर फ्री फायर भाई मान लो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कैसा गेम है क्या बताए। अभी इसके बाद अगर अगले प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो है भाई पिंग प्रॉब्लम। भाई पिंग प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा होता है, मतलब लगभग अगर आप समझ लो जैसे ही अपडेट आता है अपडेट के बाद तो मतलब आसमान को छूने लगता है पिंग, क्या ही बताए। मतलब किस बात का गुस्सा रहता है, इसको लाल 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 हो जाता है 999+। भाई मैं लगभग कम से कम 1 महीना खेला इस अपडेट के बाद, मेरा 1 महीने से पिंग प्रॉब्लम इतना ज़्यादा देखने को मिला है, मेरा अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मेरे यहाँ पे नेट का मतलब अगर स्पीड बताऊँ तो मेरा कोई वाईफाई नहीं है, मेरा बिना नॉर्मल में मेरा उकला स्पीड टेस्ट में मेरा लगभग 90 MBPS का स्पीड देता है मेरा वोडाफोन के सिम में, तो उस हिसाब से मेरे को पिंग मिल रहा है भाई 150-200 MB का पिंग मेरे को मिलता है। तो आप खुद सोचो फ्री फायर में कितना ज़्यादा पिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से कितने बंदे हैरेस्ट होकर इस गेम को छोड़ के चले जाते और जाके फिर BGMI खेलते और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते। अगर BGMI की बात उठी है तो मैं यहाँ पे BGMI के आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। BGMI के यहाँ पे हो चुके हैं पूरे एक वीक में 34 मिलियन तक डाउनलोड हो चुके थे उसके, पर यहाँ पे फ्री फायर की जो रेटिंग है वो गिरती जा रही है। मतलब आगे जाके लगभग शायद फ्री फायर बंद होने के मुकाम पे आ जाएगा अगर फ्री फायर में वो सुधार नहीं लाया गया तो, यार बंद हो जाएगा। और अगर इसी के साथ अगर आपने भी हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो हमारा चैनल भी बंद हो सकता है। तो यार क्या कर रहे हो यार, आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहते, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। जय महाकाल, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। तो इसके बाद बात करें तो हम दूसरे टॉपिक जो कि है यहाँ पे पिछले 6 महीने से जो है फ्री फायर की रेटिंग को गिरा दिया गया। लगभग समझ लो बंदे सब छोड़ के जा रहे, तो फिर उन लोग वन स्टार रेटिंग देखे जाते बिकॉज ऑफ पिंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम। इस वजह से फाइल साइज बढ़ता जा रहा है। जिनके पास 2-4 GB रैम वाले फ़ोन है उन लोग ठीक से तो खेल नहीं पा रहे, तो उन लोग भाई क्यों खेले इस गेम को। तो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात निकली है और BGMI की बात निकली है, तो वो भी बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत से बंदे वहाँ पे जा रहे। और BGMI के बैन होने के बाद लगभग मतलब पबजी के बैन होने के बाद सारे बंदे फ्री फायर में आ चुके थे, तो अभी BGMI आ चुका है तो सब बंदे उधर जा रहे, क्योंकि इधर पे उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सारे बंदे अभी वापस से अपने अपने गेम में वापस लौट रहे। तो यार इन लोग अगर उतना सुधराव करते तो यार आज वो नौबत नहीं आती और हमारा जो रेटिंग है फ्री फायर का वो भी इतना नहीं गिरता। यार हम तो फ्री फायर के प्लेयर है तो हम फ्री फायर के बारे में सही सही बताएंगे। तो यार बस इस तरह अगर चलता रहा तो क्या करे यार। अब इसी के लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ गरीना से कि मैं यार वो फ्री फायर मैक्स को ना निकाल के फ्री फायर में थोड़ा बदलाव करे और ये जो पिंग प्रॉब्लम है और लैग प्रॉब्लम है कम रैम डिवाइस वाले फ़ोन में वो थोड़ा बंद हो जाए, तो यार कम हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तब जाके फ्री फायर मैक्स बंदे खेलना पसंद करेंगे, वरना कोई भी वो गेम को खेलना पसंद नहीं करेगा। जो भाई अमीर औलाद है भाई वो कुछ कर नहीं सकते, वो लोग खेल सकते। तो चलिए आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।